धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज धाकड़ खबर के न्यूज से मैं आपके साथ हूं अक्रम रईस खान जो खबर अब आपके सामने रखने जा रहा हूं पुलिस से जुड़ी हुई खबर है उस खबर को सिर्फ देखेगा मत दिमाग के कपाट खोल के उसके बारे में सोचिएगा भी और फिर उत्तर प्रदेश में जो इस वक्त सत्ता कर रही है भारतीय जनता पार्टी उसको भी परखिएगा इस खबर के मद्देनजर बागपत की तस्वीर याद है कि भूल गए यहां पे एक दरोगा महोदय हैं जिनका नाम इम्तियाज राव बताया जाता था सहारनपुर के मूल रूप से रहने वाले थे बागपत के रमाला थाने में तैनात थे दाढ़ी रख ली उसको लेकर इतना हंगामा मचाया गया कि उस दरोगा को सस्पेंड कर दिया गया और बाद में उस दरोगा को दाढ़ी कटवानी पड़ी कहा गया ये पुलिस रूल के खिलाफ है हमने इस पूरे मामले को लेकर उत्तर प्रदेश के पूर्व डी जी जाने माने आईपीएस वीएन राय यानी कि विभूति नारायण राय जी से भी बात की थी उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता है ये नियम के खिलाफ है पुलिस वाला किसी धर्म को फॉलो नहीं कर सकता है लेकिन अब जो तस्वीर मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं वो भी उत्तर प्रदेश से आ रही है मेरठ से आ रही है मेरठ का एक नौजंदी थाना है यहाँ पर थानेदार हैं प्रेमचंद शर्मा प्रेमचंद शर्मा ने एक नया स्टाइल अपनाया है वो मंत्रोच्चारण करते हुए दिखाई दे रहे हैं वो लोगों को चंदन का टीका लगा रहे हैं वो लोगों को गंगा जल बांट रहे हैं वो बात कर रहे हैं सनातन धर्म की हिंदू धर्म की तो यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि इनका गुणगान किया जा रहा है और इम्तियाज पर एक्शन किया गया था इन पर एक्शन कब किया जाएगा कैसे ये तमाम चीज़ों को अपनी सामने रख रहे हैं और उनकी ये तमाम चीज़ें सामने आने के बाद किस तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं वो आपको आगे बताऊंगा लेकिन सबसे पहले इनका जो चित्रण किया जा रहा है मीडिया के जरिए जो ब्रांडिंग की जा रही है कि साहब इन्होंने बड़ा ही प्रशंसनीय काम किया जा रहा है हिंदी पत्रकारिता की भाषा में बात करें तो इनकी भूरी भूरी प्रशंसा की जा रही है मीडिया के जरिए उस पर नज़र डालेते हैं लेकिन सबसे पहले आप देखिए इन थानेदार महोदय को किस तरीके से मंत्रोच्चारण कर रहे हैं वर्दी के शख्स मंत्रोच्चारण कर रहा है सोचिए अगर यही काम कोई मुस्लिम कम्युनिटी का शख्स करने लग जाए जो पुलिस में हो या और किसी और कम्युनिटी का सिख समुदाय से जुड़ा हुआ लोग करने करने लग जाए या कोई और करने जो ईसाई कम्युनिटी से जुड़ा हुआ पुलिस में भर्ती हो तो क्या बवाल नहीं होगा लेकिन क्यों क्योंकि प्रेमचंद शर्मा है, इनके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता अभी अपने इस कर्म के बारे में किस तरीके से गुणगान कर रहे हैं पत्रकारों के सामने वो थोड़ा सा सुन लीजिए आपका परिचय जानना मैं इंस्पेक्टर प्रेमचंद शर्मा प्रभारी निरीक्षक थाना नौचंदी जनपद मेरठ पहले तिलक अब गंगाजल जी एक नई पहल आप हमेशा ला रहे हैं क्या कहना चाहेंगे क्या उद्देश्य है ये अपने जो सनातन हिंदू समाज है होली के उपलक्ष्य में हमारा समाज कुछ विकृतियों का शिकार हो गया है जैसे होली के उत्सव पर हमें शराब पीने का लाइसेंस मिल गया है ऐसा लोग समझते हैं मैं उस समाज में थोड़ा सा बदलाव चाहता हूँ उनके अंदर धार्मिकता की भावना म गंगा से जोड़ना चाहता हूँ वो मैं चाहता हूँ वो किसी तरह के केमिकल युक्त रंगों का इस्तेमाल न करके शुद्ध चंदन का इस्तेमाल करें इससे होली खेलें इससे होली खेलें और जो हमारे जो नेचुरल कलर हैं ये भी हमारे नेचुरल कलर हैं फूलों के कलर तमाम पहले हम लोग कपास के फूल और गंगा जल मिश्रित करके और उससे हम होली खेलें इस तरह का मेरा मोटिव है ये उद्देश्य है और समाज हमारा समाज नशीले पदार्थों से नशीले द्रव्यों से दूर रहे इस होली के त्यौहार को पवित्र रूप में मनाएं पूरी आध्यात्मिकता में मनाएं इससे देश का कल्याण होगा समाज का कल्याण होगा ऐसा मैं चाहता हूँ सर आपकी एक आ, ए, सोच है अच्छी पहल है कि गंगा जल तिलक एक धार्मिक तरीके से आप ट्रीटमेंट करते हैं तो क्या लगता है इनसे इन फर्क पड़ा है क्राइम पे देखिए ये निश्चित रूप से क्राइम के मामले में भी ये अपना काम कर रहा है ठीक है लेकिन जो अपराधी हार्ड कोर है जो इसकी तरफ नहीं है कोई बात नहीं कानून अपना काम कर रहा है कानून की कठोरता अपना काम कर रही है उनको उनके खिलाफ हम आवश्यक वैधानिक कार्यवाही कर रहे हैं उसमें भी हमें कोई गुरेज नहीं है सुन लिया आपने ये बता रहे हैं कि इससे क्राइम भी इन्होंने कम कर दिया बताइए अब टीका लगा के और गंगा जल दे के क्राइम कम कर देगी पुलिस को और कुछ करने की जरूरत नहीं है लेकिन आपने इनके शब्दों को सुना ये बात कर रहे हैं धर्म विशेष की कह रहे हैं सनातन धर्म जो है हिंदू धर्म जो है ये तमाम तरीके की चीजें की जा रही है लेकिन मीडिया वाले यही नहीं रुके यहाँ की जो महिला पुलिस है उनसे भी पूछ लिया कि दरोगा जी थानेदार जी ये कर रहे हैं इस बारे में आपका क्या कहना है सर मेरा नाम स्वाति स्वाति सिंह जी आप पे पोस्टेड हैं मैं थाना नौचंदी चंदी में कम्प्यूटर पर सीसी से संबंधित कार्य करती हूँ पहले तिलक अब कौन देता है कौन वितरण करता है और क्या उद्देश्य है हमारे एस सर थाने पे आने जाने वाले लोगों को तिलक लगाकर उनका स्वागत करते हैं उनको सांत्वना देकर उनकी परेशानी समस्याएं है, सुनते हैं और उन्हें गंगा जल वितरण करते हैं गंगा जल वितरण करने का उद्देश्य क्या मानते हैं आप कैसे देखिए आजकल लोगों ने अपनी एक ऐसी मानसिकता बना ली है कि होली का त्यौहार है इसको हम शराब पीकर ही और हुरदंग शोर शराबे के साथ ही मना सकते हैं लेकिन हमारे एस एच ओ सर ने एक नई शुरुआत की है कि हम इस त्यौहार को शांति के साथ और एक पवित्रता के साथ भी मना सकते हैं और गंगा जल एक पवित्रता का संकेत प्रतीक है यानी संकेत है और इसी को हमारे एस एच ओ सर जो भी खुद अपने आप में एक मतलब बहुत अच्छी शुरुआत है ये और इसी इसी वजह से हमारे एस एच ओ सर ये बांटते हैं तो क्या मानते हैं ऐसा करने से लोगों की कहीं ना कहीं सोच में परिवर्तन आता है बिल्कुल आएगा लोग इस चीज को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं और लोगों को अच्छा भी लग रहा है जहाँ कहीं ना कहीं हम अपनी भारतीय संस्कृति को भूलते जा रहे हैं गंगा माँ को हम भूलते जा रहे हैं वहां लोगों को इस चीज के प्रति याद भी आएगी सुन लिया आपने तुम्हारे अब्बा। के ये कर रहे है। तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है।, तो कह है ये सिस्टम तो पूरे देश में पुलिस वालों में नहीं तमाम ऑफिस में लागू होना चाहिए नाम गौरव शर्मा है गौरव शर्मा जी आपके फादर क्या करते हैं जी जी Uh, मेरे फादर एस एच ओ नौचंदी uh, श्री प्रेमचंद शर्मा है तो आपके पिताजी ने एक पहल की है जी जी जब कोई आता है यहाँ पे फरियादी आता है कोई आता है तो उससे मिलते हैं गंगा जल छ हैं तिलक लगाते हैं जी इस को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे uh, ये एक बहुत ही अनोखी पहल है और मैं चाहता हूँ इस तरह का ये एक तरह से uh, ये इस तरह की पहल uh, मैं चाहता हूँ पूरे इंडिया के सारे थानों में होनी चाहिए और ना कि इंडिया के थानों में और भी सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं सुन लिया मतलब आपको बढ़ावा जब देना है आपके पास जब अपना मीडिया है तो आप किससे चीजों को पॉजिटिव पेश कर सकते हैं यह आपके हाथ में होना चाहिए ओबीसी एससी समाज या माइनॉरिटी कम्युनिटी के पास अपना कोई मीडिया तो है नहीं मीडिया में उनके लोग तो बैठे नहीं है तो उनकी चीजों को तो दो मिनट में गलत साबित किया जा सकता है लेकिन यहाँ इनके इस काम को जो है बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है और पुलिस वालों से भी कहलवाया जा रहा है बेटे से भी कहलवाया जा रहा है यही नहीं यकीन नहीं आ रहा जो यहाँ आ रहे हैं फरियादी उनसे भी कहलवाया जा रहा है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आपका नाम मेरा नाम टी एन शर्मा शर्मा जी आज आप कहाँ आए थे किनसे मुलात मैं नौचंदी थाना में आया था एस साहब के पास आज आपने साहब साहब से मुलाकात ने आपका किस तरीके से स्वागत किया है मेरे चंदन का टीका किया और गंगा जल की बोतल दे क्या मानते हैं गंगा जल की बोतल आपको वितरण किया है होली का परम अवसर ये होली का परम त्यौहार है बहुत ही अच्छा पहल की इन्होंने और जनता को इसका वो भी करना चाहिए तो किस तरीके से एक तरफ होली के लोग बाबू की सोच ही होती है कि अलग तरीके की होली बनती है लेकिन हमारे सर ने अलग ही तरह की होली बनाई इसको लेकर क्या कहें बिल्कुल चाहिए? बहुत बढ़िया है इससे आदमी का एक वो बढ़ेगा मेलभाप बढ़ेगा ये भी सुन लिया आपने अब ज्यादा लंबा करेंगे नहीं क्योंकि तस्वीरें हमारे पास बहुत सारी हैं विजुअल हमारे पास बहुत सारे हैं बहुत सारी चीज़ों पे हम आपके साम नजर डलवा सकते हैं लेकिन अहम बात यहाँ ये यह है कि इसके बाद सवाल क्या पैदा हो रहे हैं अब सोचिए जरा कि इस थाने में अगर कोई मुस्लिम थानेदार आ जाए वो लोगों को आबे जमजम का पानी जो सऊदी अरब के लोग हज के दौरान जाते हैं वहाँ से ले कर आते हैं वो देने लग जाए कि भैया ये पानी लो और इसके अलावा पानी पर कुछ पढ़ के फूकने लग जाए आप जानते हैं मुस्लिम जो कम्युनिटी के लोग होते हैं वो अपनी धार्मिक कुछ चीज़ें पढ़ के पानी पर दम करके देते हैं वो देने लग जाए कि भैया ये पानी पियो या किसी को ताबीज़ बांधने लग जाए तो नया विवाद शुरू नहीं हो जाएगा क्या या कोई ऐसी कम्युनिटी का थानेदार यहाँ पर आ जाए और वो आके कहे कि भैया मैं तो अपने हाथ से मिठाई खिलाऊँगा सबको अपने हाथ से खाना बांटूंगा सबको अपने हाथ से पानी दूंगा सबको ऐसी कम्युनिटी का जो थानेदार हो तो क्या यहाँ बखेड़ा खड़ा होगा क्या तब भी ऐसे ही यहाँ पर शांतिप्रद माहौल रखा जाएगा और उसकी भी ऐसे ही ब्रांडिंग की जाएगी बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं हम इंतज़ार है कि कब अधिकारी इस थानेदार के खिलाफ एक्शन लेंगे क्यों क्या इसने पुलिस जो रूल है उसको नहीं तोड़ा है और एक अहम सवाल अभी तक अधिकारियों में खामोशी क्यों है और मीडिया में इस पूरे मामले को लेकर सिर्फ ब्रांडिंग ब्रांडिंग की जा रही है थानेदार की इसके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है इम्तियाज वाले मामले में तो कुछ और करते हुए दिखाई दे रहा था मीडिया तमाम लोग डिबेट शो करने लगे थे लेकिन इस पर डिबेट शो भी अगर किए जाएंगे तो सोचिएगा इस स्थानेदार की बल्ले बल्ले हो जाएगी हो सकता है रिजाइन दे दे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ले विधायक या सांसद बन जाए और इसकी जो है पूजा की जाने लगे बताए जाने लगे ऐसा पुलिस में रहते हुए आपने क्या काम किया था अब यहाँ जाइए आप छोड़िए पुलिस की नौकरी अभी तक आप सलाम बजाते थे अब पुलिस वाले आपको सलाम बजाया करेंगे बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब आना बाकी है कोशिश करेंगे किसी प्रशासनिक अधिकारी से बात करने की और जो ये रूप सामने आया है प्रेमचंद शर्मा का उसके बारे में क्या कानूनी कार्रवाई की जा सकती है क्या रूल कहता है उन सबसे भी आपको अवगत कराएं बने रहेगा के साथ फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं खबर को लाइक कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर फिलहाल अभी मुझे नहीं इजाजत